हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेस। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए जीव विज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आपका आता है अंतर लिखने के लिए, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तीन ठे। देख सकते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर लिखने के लिए 2024 में फिक्स है कि ये एकदम आएगा। 2024 के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये जितने अंतर मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, एक संकर और द्विसंकर में अंतर, यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए आरएनए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बताने जा रहा हूँ, काफी आपको हेल्प देगा एग्जाम में। अगर इसका पीडीएफ फिल लेना चाहते हैं तो आप सबको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक, दोनों में आप ज्वाइन हो जाइए। इसका पीडीएफ बहुत सुंदर से वहां डाल देंगे, अच्छे से पढ़िएगा। ओके, चलिए सबसे पहले आपको एक एक हम टॉपिक को अच्छे से समझा देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो टॉपिक लिया गया है बाबू, पहला नंबर की प्रभाविता एवं अप्रभाविता में अंतर लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि प्रभाविता एवं अप्रभाविता में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, पहले आपको दोनों का हेडिंग आपस में लिख दीजिएगा, मतलब दो साइड में, प्रभाविता के एक साइड में और अप्रभाविता एक साइड में, इसी तरीके से सेम लिखिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। पहले नंबर क्या लिखेंगे, प्रभाविता का क्या होगा कि इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाते हैं। पहला नंबर तो ये इसमें प्रभाविता के में क्या कह रहा है कि इसमें असमान मतलब भिन्न भिन्न कारकों के जोड़े, जो विभिन्न प्रकार के जोड़े होते हैं कारक के, उनमें से कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी पड़ जाता है, यानी प्रभावी हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए अप्रभाविता में क्या होता है, अप्रभाविता में लिखेंगे एक नंबर कि इसमें असमान कारकों के, लिखेंगे इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे से दाब यानी दब जाता है, इसमें दब जाता है और ये प्रभावी पड़ जाता है। दोनों में तो समझ में आ रहा है ना, सेम चीजें कई है, लेकिन यहाँ पे कारक जो है दूसरे पर ये दब जाता है, दूसरे पर प्रभावी हो जाता है, सेम मतलब कि एक ही जैसा है, बट यहाँ पे दोनों में इफेक्ट है, अंतर है। चलिए दूसरा नंबर समझते चलिएगा। देखिए प्रभाविता में दो नंबर, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में दिखाई देती है। ठीक है, प्रभाविता में यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी गुणों के युग्म में दिखाई देने लगता है, जबकि अप्रभाविता में क्या होता है बाबू, समझिए कि यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में विप्रयासी मतलब विपरीत प्रकार के गुणों के युग्म में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है, ये दिखाई ही नहीं देती और ये इसमें दिखाई देने लगता है, तो ये कह रहा है। ठीक है, समझना है आपको बेस्ट तरीके से, तो ये आपको ज़्यादा नहीं, दो दो यानी कि लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए चलिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर बताइए। ऐसे ही पेपर में पूछता है बाबू कि एक संकर और द्विसंकर में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा प्यारे मेरे स्टूडेंट। पहले एक साइड में एक संकर, दूसरे साइड में द्विसंकर लिख लेंगे ना आप लोग अच्छे से। हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला नंबर लिखेंगे एक संकर में कि एक ही लक्षण के दो विभिन्न गुणों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है इसमें एक संकर में कि एक ही लक्षण के मतलब एक ही लक्षण रहेगा लेकिन दो विभिन्न गुण रहेंगे, उसी गुण को अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके बारे में पढ़ा लिखा जाता है, समझे। और द्विसंकर में क्या होता है बच्चों कि द्विसंकर में दो विप्रयासी मतलब विपरीत प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर में दो विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, तो एक संकर हो गया, द्विसंकर हो गया। एक संकर में दूसरा अंतर देखिए यहाँ पे समझिएगा, ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो। कह रहा है इसमें कि ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजी हो, ये हो जाएगा इसका एक संकर में दूसरा अंतर। यहाँ पे देखिए द्विसंकर का क्या होगा, कहने का मतलब कि ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो, इसमें क्या होगा कि विषम होगा, युग्म विकल्पी विषम युग्मजी होगा, यहाँ पे विभिन्न हो जाएगा, युग्म विकल्पी जो होगा विभिन्न हो जाएगा, अलग अलग भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। तीसरा अंतर देखिए यहाँ पे,
एक संकर में तीसरा अंतर देख लीजिएगा कि सिर्फ एक ही लक्षणों यानी कि सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न भिन्न होता है, मतलब भिन्न होता है, सिर्फ एक ही लक्षण में क्या होता है इसका लक्षण अलग हो जाता है, लेकिन द्विसंकर में क्या होता है कि दो लक्षणों में भिन्न होता है, ये जो होता है दो लक्षण मिला के तब अलग होगा, ये तो एक ही में है, एक संकर वाला जो होगा ये एक ही लक्षण में अलग हो जाएगा। तो ये मतलब कि ज्यादा नहीं, तीन तीन छह अंतर लिख देंगे आपका फुल में फुल नंबर अचीव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दो बता दिए, प्रभाविता अप्रभाविता, इसके बाद एक संकर द्विसंकर, इसके बाद आप चलते हैं डीएनए आरएनए में अंतर स्पष्ट करा देते हैं, इसको भी समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्यारे रसगुल्लो, ध्यान दीजिएगा आप लोग। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट के लिए पेपर में पूछता ही पूछता है। तो देखिए, एक साइड में डीएनए लगा लीजिए हेडिंग, दूसरे साइड में आरएनए लगा लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। पहला नंबर लिखिएगा डीएनए में कि डीएनए में डी ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसका मतलब कि डीएनए में जो होती है डी ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में क्या लिखेंगे एक नंबर कि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है फुल फॉर्म में तो वही चीजें लिख देंगे, राइबोज शर्करा, इसमें डी ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है, एक एक हो गया ना उदाहरण अंतर में। इसके बाद सेकेंड नंबर डीएनए में देखिएगा बच्चों कि थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है, जो थाइमिन नाइट्रोजन होगा वो बेस पर होता है, उसके आधार पर होता है, जबकि आरएनए में सेकेंड नंबर क्या होता है समझिए कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, ये यूरेसिल नाइट्रोजन के आधार पर बनता है, ठीक है, इस तरीके से दोनों का अंतर पढ़िएगा। इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पे तीन नंबर डीएनए में क्या लिखेंगे कि अणु दो लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, ये एक दूसरे के पूरक सूत्र से क्या होता है निर्माण किया होता है, बना होता है। इसके बाद यहाँ पे इसमें तीसरा नंबर क्या लिख देंगे कि अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, इसमें आरएनए में जो होता है इसमें अणु में सूत्र में केवल एक ही सूत्र होता है, इसमें अंतर इस तरीके से स्पष्ट कर देना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे चलिए चौथा नंबर समझ लीजिएगा, चार नंबर कि यह अनुवांशिक पदार्थ है, ये जो है क्या है एक अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिकाओं में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करता है, आरएनए के द्वारा क्या करता है इसको अपने अनुसार नियंत्रित कर लेता है। तो ये चौथा अंतर हो जाएगा डीएनए का, आरएनए में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है, क्या देता है विशेष तरह की योगदान देता है और कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। तो इतना बस लिख देना है, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, 100% आपको बता रहा हूं, इसमें से एक आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% गारंटी है कि देखने को 2024 में मिलेगा या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने चाहते हैं बायोलॉजी में, यानी कि बायोलॉजी में और हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ना सबकी बेस्ट यहाँ पे चैप्टर के वाइज, एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर करके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थ्योरी, जितने भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं वीडियो के थ्रू डालूंगा और उसका जो हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है इसको मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सअप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बाबू, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले देखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि टाइम मात्र अब 2-3 महीना अंदर बचा है, 2.5 महीना, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए मेरी राय यही है आप लोग से कि इस चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, मेहनत कीजिए, काफ़ी आप लोगों के लिए वीडियोस मैं प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ भी फ्री में दूंगा, नोट्स भी दूंगा, आप कहीं भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि उस चैनल से खरीद लीजिए, तो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छे से हेल्प करना मेरी करना चाहिए, सॉरी तो इसको शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।